और हमारे राधे स्टूडियो शिमला चौराहे की तरफ से जो हमारे शिव कुमार भैया जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आप लोग वीडियोग्राफी हो रही है, ये सब लोग आप बड़ा सौभाग्य है, माँ गंगा की कृपा है जो यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा चल रही है और ये वीडियो लाइव भी चल रही है। बड़े भाव से आप लोग आते जाएं और प्यार से पीछे वाले भैया लोग बैठ जाएं। और इधर भगवान यादव सरकार योगी राज कृष्ण जब 8 वर्ष के हो जाते हैं और भगवान ने कई एक लीलाएं की हैं। एक भगवान ने लीला की है नाग नाथन लीला, उस कालिया का कैसे मतलब कुछ लोगों ने बताया भगवान ने कालिया को मार दिया, नहीं कालिया को मारा नहीं है, कालिया के अहंकार को चूर किया। पहले तो हम श्रीमद् भागवत कथा में ये बता दें ये कालिया है क्या, कालिया ये काली दह लीला बहुत छोटी कथा है। बहनों बैठ जाओ, गायो खड़ी हो, बैठ जाओ भैया लोग बैठ जाओ। ये कालिया है क्या, बाजा नहीं छेड़ना सही है, ये कालिया है क्या और कृष्ण क्या है और यमुना क्या है? याद रखिएगा हम पहले आपको अध्यात्म जो असलियल कथा है वो बता रहे हैं, फिर गाने वाली बात बताएंगे। गाने वाली बात तो दुनिया में लोग खूब बताते हैं। देखिएगा इस मानव शरीर में जो कालिया है वो अहंकार है, कालिया है अहंकार, आत्मा है कृष्ण। और जब कालिया जैसे नांग का अहंकार दूर हो जाता है, जैसे इस शरीर में जब अहंकार नहीं रहेगा, अहंकार को निकाल के बाहर कर देंगे तो यमुना जैसा जल जैसे निर्मल हो जाता है उसी तरह से शरीर निर्मल हो जाएगा। और जब तक इसमें अहंकार रहेगा तब तक कालिया जैसा जहरीला रहेगा, इसको कोई पूछने वाला दिखेगा। असलियत तो बात है कालिया है अहंकार और ब्रह्म जो इसके अंदर आत्मा है वो कृष्ण है, वो इसको हमेशा साफ करने की और इसे हमेशा सुधारने का प्रयास करती रहती है, लेकिन मन चंचल है और ये हमेशा। तो आइएगा सभी लोग हम उसी कालिया के बारे में जो साकार कथा पंडित राधे श्याम गोविंद ने लिखी है, बैठ जाते हाँ। और ये कथा जो है अहंकार रावण कहीं नहीं है, रावण हम लोगों के अंदर जो अहंकार है वही रावण है, वही कंस है। और आत्मा रूपी जो हमारे अंदर साधुत्व और भावना है वही तो कृष्ण है। श्रीमद् भागवतम कृष्ण स्वरूपम, श्रीमद् भागवत कथा एक कृष्ण स्वरूप है। बड़े भाव से आज भगवान कन्हैया जब मामा कंस ने मारने का विचार किया और मामा कंस ने जब पत्र भेज दिया तो भगवान कन्हैया कहने लगे बाबा उस कंस से हमारे मामा से कह दो कि हम चोर और लफंगा नहीं है। और ये चोर लफंगों को धमकी दी जाती है मारने की। आज भगवान श्याम सुंदर बोले बाबा जी कि जेलों में भरने की धमकी दे किसी चोर विभिचारी को, और या तो सत्याग्रह मंदिर है बा सच्चे ते सब पुजारी को, अरे बाबा उस कंस को सूचना भिजवा दो जेलों में भरने की धमकी दे किसी चोर बिचारी को, या तो सत्याग्रह मंदिर है बा सच्चे दे सब पुजारी को।
बाबा जाओ कंस को सूचना भिजवा दो। चलो तो आज मेरे श्रोतागण बंधो, आज उसी समय जिस समय आज कंस को बाबा नंद ने सूचना भिजवाई है कि ठीक है भाई तुम्हारे छपरिया पर पुष्प मिलेंगे, और भगवान कन्हैया ने बाबा नंद से कह दिया, उन्हें समझा दिया, और भगवान ने लीला शुरू कर दी। भगवान ने बहुत लीलाएं करी हैं, और भगवान वहां से अपने ग्वालों के साथ चल देते हैं और अपनी गौएं खोलते और गौएं लेकर के यमुना की रबड़ रेती में पहुंच जाते। और भगवान ने नकली खेल किया है, जो गेंद का खेल है, केवल ये पर्दा डाला है, मतलब हर कार्य जो किया जाता है वो पर्दा के अंदर किया जाता है। भगवान श्याम ने लीला दिखाई है, काली ने जो लीला है लीला दिखाई है, क्योंकि उनकी लीला हर कोई समझ नहीं पाता है। तो बड़े भाव से आज भगवान यादवी सरकार योगी राज कृष्ण जब आज यमुना किनारे पहुंचे तो गेंद का खेल खेला है, और गेंद का जब खेल खेल, ये तो दिखावटी है, भगवान का असली भाव था यमुना में प्रवेश करना और कालिया का अहंकार चूर करना। और हमने आपको बताया है कि कालिया इस शरीर के अंदर है, जो अहंकार है इसको बाहर कर दो, तुम भी यमुना जैसे निर्मल हो जाओ। उसी प्रकार से भगवान ने उस कालिया का अहंकार चूर किया है। आज मेरे श्रोतागण बंधों, आज भगवान श्याम जिस समय यमुना के किनारे पहुंचे और भगवान ने खेल चालू किया, तो ग्वालों ने भगवान को ही चोर बना दिया। अब भगवान बेचारे भाग रहे हैं और ग्वाल जो हैं मारते हैं गेंद में टूल, गेंद भागती चली जा रही है। भगवान बहुत परेशान है, भगवान को चोर बना दिया। अंत में जब ग्वाल खेल में मस्त हो गए, जैसे मानव जब लीला में मस्त इस दुनिया में मस्त हो जाता है तभी तो उसके साथ खेल हो जाता है। और आज भगवान ने क्या किया है, कहा ग्वालो होश में हो जाओ, अब हम चोर नहीं बनेंगे। और भगवान ने क्या किया, आरे दाती पीस के मोहन ने कई दीनी है गेंद चलाई। भगवान ने एक दमदामा की ओर गेंद उठाई, आरता पीस के बनबारी ने दीनी है गेंद चलाई। महाराज गेंद बा निकल गई बापा, औवा सर गर करके भैया गिरी जमुन में जाए, भैया गेंद जमुन में गिरी ललन में बब्बर परियो है, भैया गेंद जमुन में गिरी ललन में बब्बर परियो है। अरे भब्बर परियो है ललन में तहलका मचियो है, भैया गेंद जमुन में गिरी ललन में भब्बर परियो है। जिसमें मेरे श्रोतागण बंधो जमुना में गेंद गिरी है, सारे बच्चे रोने लगे और दामा को पकड़ लो, काहे भैया गेंद जिस समय जाके गिरी है और दामा जो भागो और भगवान कन्हैया को पीतांबर पकड़ लो। अब देखो अहो भाग के उन यदुवंशियों के, ये कथा जो है मैंने आपको बताया है, ये कथा सुनने को सबको नहीं मिलेगी, बताया है श्रीमद् भागवत कथा में, ये दशम स्कंद की जो कथा है भागवत में श्री सुखदेव जी ने बताया है इस श्लोक में कि बड़ाया महापुण्यम सर्व पाप निवारणम यदुवंश नराशत्वा सर्व पापम प्रमुच्यते। जो यदुवंशियों की कथा श्रवण करते हैं मानव
उन्हें जन्म जन्मांतर उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया है, मतलब ऐसा नहीं है। अब ये तो साक्षात यदुवंशियों की याद में सरकार योगी राज कृष्ण की कथा चल रही है, इसमें आप लोग धोखा नहीं खाए, बड़ा सुंदर सौभाग्य है। आज भगवान ने मालूम क्या किया, दामा ने उनके भगवान कन्हैया का पीताम्बर पकड़ लिया और कहा श्याम मेरी गेंद लाओ, लाओ मेरी गेंद। लेकिन श्रोतागण बंधो, गेंद की जब बात आई तो भगवान का पीताम्बर पकड़ लिया, भगवान कहने लगे पीछे हट जा, अरे माई थोड़े से चिथड़े पर तो मेरा पीताम्बर फाड़ रहा है, काल में तमाचा मार दूंगा। दामा कान लगो एक बात सुनो, राजा हुई हो अपने घर के हुई हो, जंगल में हम सब लोग बराबर हैं,